हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में एक नंबर का आपको निश्चित तौर पे आपको पूछता ही पूछता आपको। ठीक, वेन डायग्राम मतलब यहां पर क्या होगा कि आपको अलग अलग आपको इंग्रेडिएंट दिया रहेगा, है ना, आपको उनके मध्य आपको संबंध दर्शाना होगा। वो भी क्या दिया आपको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, क्या करेगा आपको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से करना पड़ेगा। तो ये वेन डायग्राम के बेसिकली आप तीन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहला ऑल, मतलब सभी, ऑल मतलब सभी। दूसरा सम, मतलब कुछ। तीसरा नन, मतलब कोई नहीं। ये आपके तीन तरीके से आपके बनते हैं। पहला आपका ऑल होगा, दूसरा आपका सम होगा, तीसरा आपका नन होगा। ये फिगर मान लो आपके पास दो इंग्रेडिएंट है ए और बी, ये पहला बनेगा ऑल में। ठीक, सभी में बनेगा ये, बनेगा नन में ए और ये बी। ये तीन फिगर का मतलब क्या दिया, आपके पास ए एक अल एक ग्रुप है और बी आपके पास एक ग्रुप है। आपके पास एक ग्रुप है ए और आपके पास बी एक ग्रुप है। ठीक, ए या ए में अलग तरीके से इंग्रेडिएंट्स है और बी में अलग तरीके से इंग्रेडिएंट्स है। अगर सपोज मान लो ए में जो भी है, ए में जो भी है, जो भी चीज होगा, अगर वो पूरा का पूरा बी में समाया होगा, जो भी ए में होगा, ए में जितने भी टाइप्स होंगे, अगर वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके बी में समाये होंगे, बी जो मेजर ग्रुपों को समाया होगा, तो उसमें इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया, सपोज अगर मैंने बोला, रसगुल्ला और मैंने बोला स्वीट्स, तो इसका मतलब रसगुल्ला के जितने भी टाइप्स हैं, रसगुल्ला के जितने भी टाइप्स होंगे वो सारा का सारा किसे बनेगा, स्वीट्स वाले अंतर्गत में आता है। तो ये आपका हो जाएगा रसगुल्ला और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्वीट्स। ठीक है, फिर अगर सपोज मैंने बोला, अगर सपोज मान लो मैंने बोला एप्पल और यहां पर मैंने बोला फ्रूट, तो एप्पल की जितनी भी वैरायटी हो, ठीक है, चाहे वो कश्मीरी हो, ठीक, चाहे वो कहीं का भी एप्पल हो, कहीं का भी एप्पल हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, फ्रूट में आएगा। तो ये एप्पल होगा और यहां पर क्या होगा, फ्रूट होगा। ठीक, तो ये जो पहला फिगर है ये आपका इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, जहां पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंतर्गत पूरे की पूरी तरह वहां पर क्या होगा, आपको समाया हुआ मिलेगा। जो सेकेंड होता है कुछ, सम मतलब, यहां पर सिमिलरिटी होगा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप होगा दोनों में यहां पर क्या होगा, कुछ सिमिलरिटी होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं बोला कि बॉयज और यहां पर क्या बोला, प्लेयर्स, तो ये बॉयज होगा, ये प्लेयर्स होगा। अब सबके सब बॉयज तो प्लेयर्स होंगे नहीं, कुछ बॉयज ऐसे होंगे जो दूसरा काम कर रहे होंगे, और प्लेयर्स जो होंगे जरूरी नहीं कि सभी के सभी लड़के हों, कुछ यहां पर क्या हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर सपोज मैं बोला कोई नहीं, इसका मतलब एक का संबंध आपका दूसरे से आपका बन ही नहीं सकता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला लायन और अगर मैं बोला वेजिटेबल, तो लायन का ग्रुप, लायन की कैटेगरी ही अलग है और वेजिटेबल का कैटेगरी ही अलग है। अगर मैं सपोज बोला बॉयज और यहां पर बोला गर्ल्स, तो बॉयज का कैटेगरी ही अलग है और गर्ल्स का कैटेगरी अलग है। तो जो दो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, या हम दो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी चीज की समानता नहीं होगी तो वह हमारे पास क्या होगा, कोई नहीं होगा। तो वैसे हमारे पास क्या होगा, दो देगा, तीन देगा और आपको बोलेगा इसमें से कौन सा आपका फिगर बनाता है, या फिर कौन सा आपको दर्शाता है, कौन सा आपको नहीं दर्शाता है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है,
चलिए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या आ रहा है। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आपको देगा तीन देगा और आपको क्या करना है, तीनों के मध्य आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आपको। ठीक है, कागज स्टेशनरी और स्याही, पेन स्टेशनरी एंड इंक, पेपर स्टेशनरी एंड इंक। पेपर, पेपर की कैटेगरी ही अलग है और इंक की कैटेगरी अलग है, क्योंकि पेपर और इंक अलग अलग जगह उपयोग होते हैं। ठीक, और ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा होगा पहला वाला। क्लियर हुआ? सेकेंड, टीचर मेन एंड वुमेन, टीचर मेन एंड वुमेन। मेन का अलग ग्रुप है, वुमेन का अलग ग्रुप है, और टीचर दोनों में से हो सकता है। ठीक, अब यहां पर मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये जो बाकी जो पोर्शन है टीचर का, ये कौन होगा करके। ठीक, तो ऐसा आप उतना हद तक मत सोचिएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, स्वीट रसगुल्ला और एप्पल। जो स्वीट होगा मतलब जो रसगुल्ला होगा वो स्वीट के अंतर्गत आएगा, और एप्पल क्या है, टोटल अलग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नाविक जहाज महासागर, नाविक जहाज और महासागर। ठीक, जो आपके पास सेलर होगा, नाविक होगा, वो कहां पाया जाएगा, जहाज में पाया जाएगा, और जहाज कहां पाया जाएगा, महासागर में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अगला, माता पिता, माता और पिता, पेरेंट्स मदर एंड फादर। बहुत बार आपको ना यहां पर कुछ कुछ एग्जाम में ये फैमिली करके भी दिया होगा ना। ठीक है, देखो माता राम अलग होती है, पिताश्री अलग होते हैं, लेकिन दोनों पेरेंट्स में फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये हमारा फिगर बने। Now the next one, फर्नीचर कुर्सी और टेबल, फर्नीचर कुर्सी और टेबल। देखिए कुर्सी अलग कैटेगरी है, टेबल अलग कैटेगरी है, और ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, फर्नीचर। आपका बेड हुआ, ठीक है, सोफा हुआ, ये सभी के सभी भी आपके फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। गो फॉर द नेक्स्ट वन, सब्जी टमाटर और फल, सब्जी टमाटर और फल। टमाटर सब्जी के अंतर्गत आएगा और फल आपकी अलग कैटेगरी है ना। टमाटर सब्जी के अंतर्गत आएगा और फल आपका अलग कैटेगरी है। ठीक, अब वहां ये दिमाग मत लगाने बैठ जाना, सर टमाटर को तो मैं फल समझ के खाता हूं। ठीक है, तो ऐसा मत कर लेना भाई, है ना। तो ऐसे कंक्लूजन से थोड़ा दूर रहना। टीचर राइटर एंड म्यूजिशियन, टीचर राइटर एंड म्यूजिशियन। ये आपका टीचर हुआ, ये आपका राइटर हुआ, और ये आपका म्यूजिशियन हुआ। मतलब कॉमन क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि एक ही व्यक्ति में वो तीनों क्वालिटी हो,
ये भी आपका हो सकता है कि जो टीचर है वही राइटर है और वही जो राइटर है वो म्यूजिशियन है, तो एक आदमी वहां पे तीनों काम कर सकता है, तीनों सिमिलैरिटी वाला ये वाला फिगर बना है आपका। नेक्स्ट, बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, बॉयज कैटेगरी अलग है, गर्ल्स की कैटेगरी अलग है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बॉयज भी होते हैं और क्या होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास, एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होता है और क्वेश्चंस आपको दोनों में मिलते हैं आपको, तो ये वाला अपना आंसर हो गया। बल्ब, दीपक और प्रकाश, बल्ब, लैम्प एंड लाइट। बल्ब अलग होता है, लैम्प अलग होता है, ठीक, और ये लाइट के साधन, लाइट के अंतर्गत आते हैं। अब वहां ये मत लगाना कि सर वो जो बल्ब हो, जो लैंप होता है ना, लैंप के अंदर बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तो लैंप अलग कैटेगरी है और बल्ब अलग कैटेगरी है आपके पास, ठीक, तो ये आपका ये वाला बनेगा। अगला, ठीक, अब यहां से सेकंड पोर्शन, वेन डायग्राम का पहला पोर्शन जो आपको यहां से पूछता है, ठीक, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे ना पूछे थोड़ी संभावना आपकी थोड़ी सी कम रहती है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा पूछेगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, ठीक, थोड़ा मतलब पूछता है लेकिन चांस कम है। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ध्यान से देखना भैया ना, ये दर्शा रहा है ऐसे व्यक्तियों को जो हॉकी खेलते हैं, मतलब ये जो त्रिभुज है ना, ये ऐसे लोगों को दर्शा रहा है या ऐसे प्लेयर्स को दर्शा रहा है जो हॉकी खेलते हैं। ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपको दर्शा रहा है ऐसे ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और ये ऐसे लोगों को बता रहा है जो यहां पर क्रिकेट खेलते हैं। इनकी संख्या 10 मान लेते हैं, इनकी 12 मान लेते हैं, इनकी 5 मान लेते हैं, इनकी 10 मान लेते हैं, सॉरी, इनकी 15 मान लेते हैं, इनका 20 मान लेते हैं, इसको 17 मान लेते हैं, ठीक। इस टाइप वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पूछा है ना, आपके लिए वो डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको जो डाटा पूछा है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप उसको छोड़ के अलग से आप नहीं कर जा सकते, आपको जो पूछा है वो आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको बोला है कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट किसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, तो कितने लोग हो गए, क्रिकेट जब बोलेगा तो 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 15। अब यहां बिल्कुल आप नहीं सोचेंगे कि हमको यहां पर क्या बोला कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमको इसमें यह मेंशन नहीं किया है कि क्या वो आदमी फुटबॉल खेलता है कि नहीं खेलता है, हॉकी खेलता है कि नहीं खेलता है, दोनों गेम खेलता नहीं खेलता, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, वो क्रिकेट आना चाहिए भले कोई भी अलग अपना गेम खेले, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है कि मान लो जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलता है, कोई दूसरा गेम नहीं खेलता, मतलब जिसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में, किसी दूसरे में नहीं है, तो मतलब सिर्फ आपका इस गोले में आना चाहिए और इसमें आपको नहीं आना चाहिए, तो ऐसा एक ही दिख रहा है, वो कौन सा दिख रहा है, 20। क्लियर हुआ। अब आपको बोला है मान लो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं, अच्छा ये यहां पर अपन साथ ले लेते हैं, इसको साथ ले लेते हैं, ठीक। अब आपको सपोज ऐसे बोला है, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं,
जो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक, तीनों गेम मतलब तीनों आना चाहिए, तो इस सर्कल में भी आना चाहिए, इस रेक्टेंगल में भी आना चाहिए और इस ट्रायंगल में भी आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, पांच, क्योंकि ये पांच के तीनों में कॉमन है। समझ में आया? चौथा, कितने लोग क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते? मतलब आपके पास क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब इसमें और इसमें आना चाहिए लेकिन वो इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोला वो ये क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल बोला है लेकिन हॉकी में आपके पास नहीं आने चाहिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 12, क्योंकि ये 12 क्या आपके पास इस ट्रायंगल में नहीं है और इसमें आपके दोनों में समाया है। क्लियर हो जाएगा? तो अपना आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, कुल कितने बोलेगा, कुल कितने प्लेयर्स हैं, तो सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको ध्यान देखिए, एक बार ध्यान से, फिर हम आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये बता रहा है कार्डबोर्ड को, ठीक, ये बता रहा है बॉक्स को और ये बता रहा है व्हाइट को। हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट व्हाइट? कार्डबोर्ड भी होना चाहिए आपके, कार्डबोर्ड भी होना चाहिए, बॉक्स भी होना चाहिए, लेकिन व्हाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब आपके पास ये दोनों में आना चाहिए, ये दोनों में आना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ये दोनों में आना चाहिए लेकिन इसमें आपके पास नहीं आना चाहिए, तो कॉमन यहां पे क्या दिख रहा है, 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला, इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट स्टील बोटल्स विच आर कैप्स? मतलब स्टील भी होना चाहिए, स्टील भी होना चाहिए, बोतल भी होना चाहिए और वो कैप भी होना चाहिए, तीनों में कॉमन कौन सा देख रहा है, 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक, अगला, एथलेटिक्स डिसिप्लिन, ठीक है, ये बता रहा है गर्ल्स को, ये बता रहा है एथलीट को, ये बता रहा है डिसिप्लिन को और ये आपको बता रहा है बॉयज को। यहां पर क्या निकालना, बॉयज निकालना जो एथलीट और डिसिप्लिनड है, बॉयज निकालना क्या निकालना है, जो एथलीट और यहां पर क्या है, डिसिप्लिनड है, एथलीट भी और यहां पर क्या है, डिसिप्लिन और बॉयज होने चाहिए, मतलब गर्ल्स में नहीं आना चाहिए तो एथलीट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन में होना चाहिए और बॉयज भी होना चाहिए, लेकिन अपने को ये वाले पोर्शन में नहीं आना चाहिए, तो एक ही आपको दिख रहा है, वो पोर्शन कौन सा हुआ, 2 हुआ, तो ये 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, प्लेयर्स डॉक्टर आर्टिस्ट, प्लेयर डॉक्टर आर्टिस्ट, डॉक्टर और प्लेयर होने चाहिए लेकिन आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई, डॉक्टर भी होना चाहिए, प्लेयर भी होना चाहिए लेकिन आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों में आना चाहिए, ये इसमें नहीं आना चाहिए लेकिन ये दोनों में आना चाहिए, तो एक ही दिख रहा है हमारे पास, क्या दिख रहा है, 4। नेक्स्ट, ऐसे डॉक्टर जो प्लेयर आर्टिस्ट दोनों हैं, ऐसे डॉक्टर जो प्लेयर भी होना चाहिए आर्टिस्ट, मतलब तीनों में आना चाहिए, तीनों में एक ही चीज आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लेटेस्ट पैटर्न का है जिसको हम बोलते हैं यहां पर कैसेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक, यहां पर क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग कैसेट फॉर्म बोलते हैं।
अभी तक क्या होता था, आपको डाटा आपको पूरा बना बनाए मिलता था, आपको डायग्राम बनाए मिलता था, आपको इजी वे में था। अभी आप देखेंगे तो हाल के आपके व्यापम के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब क्या देगा, आपको रॉ फॉर्म में देगा, आपको रॉ फॉर्म में देगा। आपको उस रॉ फॉर्म को पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बिल्टअप करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आपको दिया है कि एक कॉलेज है, टोटल 250 स्टूडेंट्स है, तो टोटल 250 आपके पास स्टूडेंट्स हैं। उसमें क्या क्या खेल रहे हैं, उसमें हॉकी खेल रहे हैं, ठीक, क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, ये तीन चीजें। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं ये फुटबॉल वाले हैं, ये हॉकी वाले हैं और ये क्रिकेट वाले। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक, ये फुटबॉल, हॉकी और ये क्रिकेट वाले। ठीक, ये हमको दिया है, टोटल 250 स्टूडेंट्स। उसमें क्या बोल रहा है कि 105 लोग क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 105 है। 110 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 110 हो गए, और 150 स्टूडेंट हॉकी, 150 स्टूडेंट यहां पर क्या हुआ, हॉकी। तो जो जो फिगर दिया आप वहां फिगर देख लेते हैं और क्वेश्चन आपको यहां से इस तरीके से बनाना चालू करते हैं आपको। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस 15 स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री, मतलब 15 ऐसे जो तीनों गेम खेलते हैं, मतलब वो हॉकी में भी आएगा, फुटबॉल में भी आएगा और किस में आएगा अपने पास, क्रिकेट में भी आएगा। तो हमारे पास यहां पर कितने हो गए, 15 स्टूडेंट हमारे पास तीनों में कॉमन हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है 30 लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट 30 लोग खेलते हैं, मतलब उनका फुटबॉल और हॉकी में कोई यहां पर रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और साथ में क्या बोला है कि 50 लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 50 लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, उन लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं यहां पर। ठीक, और 70 प्ले ओनली हॉकी, 70 लोग यहां पर क्या करें, सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स प्ले, और साथ में क्या दिया है, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, वो क्या कर रहे हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। तो हॉकी में भी आना चाहिए, फुटबॉल में भी आना चाहिए, भाई हॉकी में आना चाहिए और फुटबॉल दोनों में आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये 15 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो तीनों खेल रहे हैं, मतलब हॉकी और फुटबॉल में पहले आ चुके हैं, तो ये 15 कम हो गया। तो आपके पास जब 40 स्टूडेंट जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें 15 ये आ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा कितने बचे हमारे पास, 40 में से 15 गया, तो 25 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दोनों मिला के यहां पर 25 और 15 क्या कर देंगे, 40 लोग की पूर्ति कर देंगे। ठीक, अब कंडीशन ये बोला है कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 105, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 110, फुटबॉल 110 लोग खेलते हैं, तो ये 50 हो गया है और ये 40 हो गया है, तो 90 हो चुका है, तो बचा कितना, 20, तो यहां पर ये कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, कंडीशन ये बोला है कि कितने लोग खेलते हैं अपने पास। ठीक, अब हमको यहां पर क्या बोल रहा है कि क्रिकेट कितने वाले खेलने वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं 105 लोग, 105 लोग, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 और 75। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे यहां पर, कितने बच जाएंगे, सॉरी 105 है ना, कितने हैं, 105, हाँ ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगे 70 और 30 100 है ना, सॉरी, अच्छा ये देख लेते हैं, हॉकी, हॉकी वाले कितने लोग हैं, हॉकी वाले हैं 150, 150 हॉकी वाले हैं ना, 70 और 40, 70 और 150 लोग हैं ना, ठीक, तो 70 और यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 40, 70 40 कितना हुआ, 110, तो यहां पर कितने बचे अपने पास, 40। ठीक, तो 40 और 30 कितना हुआ, 70 है ना, 70 और 20, 90 15, 105 लोग हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, फिगर बनेगा। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब आपको यहां पर क्या होगा, कि आपको यहां पर क्या बोला है कि जो दोनों खेलते हैं, ठीक,
वी हैव टू फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट नॉट फुटबॉल. हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट में आना चाहिए लेकिन फुटबॉल में नहीं आना चाहिए. मतलब ये दोनों गोले में आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए. मतलब आपके फुटबॉल वाले गोले में नहीं आना चाहिए और ये दोनों में आना चाहिए. कितना दिख रहा है? 40 आपको दिख रहा है. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40. ठीक है, इसमें ऑप्शन डाला नहीं था क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं. तो आपको इसमें भी ये बोल सकता है कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फुटबॉल और यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पर हॉकी नहीं खेल रहे. तो यहां से आपको अलग अलग क्वेश्चन बनेगा. ये कैसलेट फॉर्म का आपका लेटेस्ट पैटर्न है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अभी व्यापम के आपने एग्जाम देखा तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा था. तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो यूपीएस आपका जो सीजीपीएससी जो अपकमिंग एग्जाम है आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि आपको डाटा फॉर्म में देगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी होगा. तो इसलिए क्या करेगा, वो आपको रॉ फॉर्म में देगा ताकि उस रॉ फॉर्म में आप क्या पढ़े पूरा बना सके और उसमें एक प्रोग्राम मतलब एक उसमें आप क्या कर सके, उसको एक डायग्रामेटिक वेन डायग्राम के रूप में आप उसको क्या करें रिप्रेजेंट कर सके. और जब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा. ठीक, ये था आपका वेन डायग्राम. क्योंकि वेन डायग्राम आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं. आपको जो 3-3 गोले होते हैं आपके पास, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होगा आपको वो मिलाना आना चाहिए. एक वो वाला होगा आपका दूसरा, और जो सेकंड पोर्शन आपको ये वाला स्टेप वाला बताया था आपको, ये वाला पोर्शन कि कहाँ पे कौन सा होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, एक ये वाला, और तीसरा आपको जो बताया था कैसलेट फॉर्म वाला, ये आपका आप ज्यादा पूछने की संभावना है. ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.